रामचरित मानस के अनुसार श्री राम जन्मभूमि अयोध्या एक बेहद ही खूबसूरत शहर हुआ करता था। जगह जगह विशाल भवन थे, मंदिर और गार्डन थे। सरयू नदी के तट पर बसे होने की वजह से यहाँ पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। और तो और बाजार हमेशा ग्राहकों के साथ भरे रहते थे। कई विद्वान और साधु संत इस जगह पर बसा करते थे। और तो और इसी वजह से अयोध्या पूरे भारत देश की सबसे बेहतरीन सिटी हुआ करती थी। उसके कई सालों बाद भारत देश में मुगलों का शासन शुरू हुआ। 1528 में मीर बाकी, जो कि बाबर के सेनापति थे, उन्होंने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। ये मस्जिद ठीक उसी जगह पर बनाया गया था जहाँ पे श्री राम जी का जन्म हुआ था। और इसे बनाने के लिए वहाँ पर बसे पहले से श्री राम जी के मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था। अब 500 सालों का इंतजार खत्म हो चुका है और 22 जनवरी 2024 को श्री राम जी अपने मंदिर में पहुंचे। और ये दिन पूरे भारत देश में एक दिवाली की त्योहार की तरह सेलिब्रेट किया गया है। भारत के राज्य छत्तीसगढ़ में भी बड़े धूमधाम से इस त्योहार को मनाया गया है। दोस्तों, भारत के राज्य छत्तीसगढ़ में सिर्फ भगवान राम को पूजते ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लोग भगवान श्री राम को भांजे के रूप में अपना आराध्य देव मानते हैं। इसीलिए छत्तीसगढ़ के बस्तर के घाट लोहंगा में अयोध्या की तर्ज पर राम मंदिर बनने वाला है। और इस मंदिर का स्ट्रक्चर अयोध्या के राम मंदिर की तरह ही होने वाला है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने एक नई योजना भी बनाई है, जिसमें हर साल 20,000 श्रद्धालुओं को मुफ्त में अयोध्या दर्शन करने के लिए ले जाया जाएगा। इसके लिए ट्रेन भी शुरू की जाएगी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भगवान श्री राम की माता कौशल्या का पूरे भारत देश में सिर्फ और सिर्फ एक मंदिर है, और वो भी है सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य में। इस मंदिर की मान्यता ये है कि पूरे मन से मांगे गए लोगों की मन्नत यहाँ पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इस वीडियो में छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़ी कुछ भगवान श्री राम की कुछ ऐसी बातें जो आप लोगों को पहले बिल्कुल नहीं पता होगी। भारत के 26वें राज्य छत्तीसगढ़ को भगवान श्री राम का नानिहाल माना जाता है, क्योंकि यहाँ उनकी माता कौशल्या जी का जन्म हुआ था। महाकौशल के राजा भानुमत की पुत्री थी कौशल्या, जिनका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के साथ हुआ था। इसी की वजह से छत्तीसगढ़ के रायपुर के करीब चंदखुरी में माँ कौशल्या का एक मंदिर है, जो कि भगवान राम की माता को समर्पित है। और दोस्तों, यह मंदिर पूरे भारत देश में सिर्फ एक ही जगह पर है। पूरे विश्व में यह एक अकेला ऐसा मंदिर है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में बना हुआ है। इस मंदिर में भगवान श्री राम के बाल स्वरूप के भी दर्शन करने के लिए मिल जाते हैं। माना जाता है कि भगवान श्री राम का लंबा समय यहाँ पर बीता था। उन्होंने ना केवल अपने बचपन के दिन इस राज्य में बिताए थे, बल्कि वे वनवास के दौरान लगभग 10 सालों तक इस राज्य में भी रहे थे। इसी की वजह से छत्तीसगढ़ वासी भगवान श्री राम को अपना भांजा मानते हैं। छत्तीसगढ़ में सिर्फ भगवान राम को पूजते ही नहीं है, बल्कि वहाँ के लोग उन्हें भांजे के स्वरूप में अपना आराध्य देव भी मानते हैं। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर के घाट लोहंगा में अयोध्या की तर्ज पर एक राम मंदिर बनाया जाने वाला है। बस्तर के आदिवासी समाज के सदस्यों ने प्रभु श्री राम मंदिर बनाने का फैसला किया है। आदिवासी समाज के राजा राम तोड़ेम ने अपने करीब 1.38 दशमलव जमीन को श्री राम मंदिर बनाने के लिए दान में दी है, और यह मंदिर बनाने की तैयारी चल रही है। ऐसा बताया जाता है कि अपने वनवास काल के करीब 10 सालों में भगवान श्री राम ज्यादातर समय बस्तर के दंडकारण्य के जंगलों में बिताया था। बस्तर के जीवन दायिनी कहे जाने वाले इंद्रावती नदी के किनारे बसे घाट लोहंगा गांव में मंदिर बनाया जाएगा। इस मंदिर को भगवान राम के वनवास काल के दौरान बस्तर से जुड़ी कहानियां और चित्रों और मूर्तियों के रूप में उकेरा जाने वाला है। दोस्तों, 22 जनवरी साल 2024 के बाद से छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने उन लोगों के लिए वार्षिक मुफ्त ट्रेनें की योजना को मंजूरी दे दी है, जो कि अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। हर साल 20,000 लोगों को ट्रेन से वार्षिक तीर्थ यात्रा पर अयोध्या ले जाया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना,
और अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। जय श्री राम।